जी नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद सिंह। मैं अपने और अपने संस्थान की तरफ से सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की, वसंत पंचमी और सरस्वती पूजा की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये गणतंत्र दिवस 2023 हमारा 74वां गणतंत्र दिवस है। 26 जनवरी सन 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था और 15 अगस्त सन 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, इंडिपेंडेंस डे कहते हैं उसको। आज 26 जनवरी के दिन जो आज लोग, मैं कई लोगों को सुना कि आज फ्लैग होस्टिंग कर रहे हैं, फ्लैग होस्टिंग हो रहा है, तो मैं सबसे ये बताना चाहता हूँ, सबसे एक अवेयरनेस जागरूकता के तहत कि फ्लैग होस्टिंग जो होता है वो होता है 15 अगस्त हर साल मनाया जाता है, और जो 26 जनवरी को होता है इसको कहते हैं फ्लैग अनफर्लिंग। फ्लैग होस्टिंग मतलब होता है कि झंडा हम नीचे बांधे रहते हैं, उसको ऊपर करते हैं। 15 अगस्त सन 1947 को क्या हुआ था, हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो उस दिन जो है हमारा देश 200 साल ब्रिटिश का गुलाम रहा है, उनके झंडे को नीचे किया गया और हमारे सम्मान में हमारे झंडे को ऊपर किया गया, उसको फ्लैग होस्टिंग कहते हैं, और वो होता है प्रधानमंत्री के द्वारा लाल किले पे। और जो 26 जनवरी को जो होता है ये होता है फ्लैग अनफर्लिंग, ये झंडा ऊपर ही रहता है और वहीं पर इसे फहराया जाता है, इसे कहते हैं झंडा फहराना, फ्लैग अनफर्लिंग, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। और ये आज का दिन जो होता है 26 जनवरी, ये राष्ट्रपति के द्वारा जो सर्वोच्च पद हमारे देश का है, राष्ट्रपति का है, वो उनके द्वारा ये मनाया जाता है। ये पर्व सिर्फ हमारे, सिर्फ एक पर्व नहीं है, हमारे लिए बहुत गर्व और सम्मान की बात है कि इसमें बहुत सारे क्रांतिकारियों का, बहुत लोगों का इसमें बलिदान है, खून बहा हुआ है देश में बहुत सारे लोगों का। हमें इसको जो है अपने गर्व और सम्मान के रूप में लेना चाहिए। आज के दिन, आज 26 जनवरी के दिन, 15 अगस्त दिन और 2 अक्टूबर, ये तीन हमारे नेशनल हॉलीडेज हैं, राष्ट्रीय छुट्टियां हैं, जहाँ पे कि सबको, बच्चों को हम लोग अवेयर करते हैं और जागरूक करते हैं, नॉलेज देते हैं कि हमारा देश कैसे आज़ाद हुआ और क्या हुआ था। जी धन्यवाद। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाना न भूलें।